हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश कुमावत स्वागत करता हूँ आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीकर में। अपन चर्चा कर रहे हैं रिट सी टेट साइंस एग्जाम सब्जेक्ट बायोलॉजी। इससे पहले वीडियो अपलोड किया था मानव कंकाल तंत्र का, तो उसी टॉपिक से बनने वाले जो मुख्य क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन मैंने तैयार किए जो आपके पास उपलब्ध करवा रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन हैं जिन्हें एक बार अगर अपन देख लेंगे तो इनसे बाहर कंकाल तंत्र से कुछ भी नहीं पूछा जाता है। तो इन क्वेश्चनों को ज़रूर अंत तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो चैनल पर पहली बार आए हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, एक वयस्क में वयस्क के शरीर में कुल कितनी अस्थियां या हड्डियां होती है। वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियां या हड्डियां होती है। तो ऑप्शन देखिए 209, 217, 206 या 306। तो जो वयस्क मनुष्य होता है ना उसके शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206 होती है। सी ऑप्शन अपना सही होगा, यानी कि 206। अगला क्वेश्चन देखिए, आप भी साथ साथ में आंसर सोचिए ताकि आप मेरे को बता सके कमेंट्स में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगला क्वेश्चन दे रखा है 2 नंबर, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। तो जो नवजात शिशु होते हैं छोटे बच्चे उनमें हड्डियों की संख्या पूछ रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन 208, 300, 350 और 200। तो नवजात में होती है 300, यानी जो बी ऑप्शन होगा वह सही होगा, लगभग 300 हड्डियाँ पाई जाती है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अस्थि क्रमशः कौन सी है। तो ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है स्टेपीज और फीमर, सेकंड मेरुरज्जू और स्टेपीज, थर्ड अल्ना व रेडियस अल्ना और चौथी दे रखी है मेरुरज्जू और फीमर। तो बताइए चार ऑप्शन में से कौन सी सही होगी। तो यहाँ पर अपन देखेंगे सबसे छोटी तो होती है स्टेपीज और सबसे बड़ी होती है फीमर होती है। तो जो अपना फर्स्ट ऑप्शन होगा ना वह बिल्कुल इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, अस्थियों को मांसपेशियों से आपस में कौन जोड़ता है। अस्थियों को मांसपेशी यानी पेशियों से जोड़ने का कार्य कौन करता है। तो देखिए लिगामेंट्स या स्नायु, कंड्रा या टेंडन, उपास्थि या नई कोई छोटी पेशी। तो अस्थि को हमेशा पेशियों से जोड़ने कार्य करता है टेंडन, जिसे अपन क्या कहते हैं, कंडरा भी कहते हैं। यानी जो बी ऑप्शन है अपना वह बिल्कुल सही है, क्या टेंडन ये कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हड्डी को हड्डी से या अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है। ऑप्शन उपास्थि, लिगामेंट्स, टेंडन या नई छोटी हड्डी। तो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का जो कार्य होता है वह किसका होता है, लिगामेंट्स का होता है। वह कार्य होता है लिगामेंट्स, यानी कि जो बी ऑप्शन है वह बिल्कुल सही है, लिगामेंट्स का कार्य होता है। टेंडन जो होता है वो तो अभी अपन ने देखा था क्या कार्य करता है, यह तो अस्थि को पेशी से जोड़ता है, और अस्थि को अस्थि या हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ते हैं, लिगामेंट्स जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन सोडियम क्लोराइड, सेकेंड कैल्शियम कार्बोनेट, थर्ड मैग्नीशियम क्लोराइड और चौथा दे रखा है कैल्शियम फॉस्फेट। तो इन चारों को अगर अपन देखते हैं यहाँ तो आप बताइए कौन सा सही होगा, कौन सा लवण सामान्य हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो अपना सही ऑप्शन होगा इसमें डी, यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही होगा। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए फिर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजन, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। तो इनमें से जो सर्वाधिक मात्रा में होता है वह अपने सबको पता है क्या होता है, ऑक्सीजन, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है।
24, 29, 33 और 40। तो मनुष्य की जो खोपड़ी होती है ना, उसमें हड्डियों की संख्या होती है 29, यानी जो बी ऑप्शन है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? 20, 22, 24 और 28। तो बताइए क्या सही होगा? बिल्कुल राइट, आपका सी ऑप्शन होगा 24, यानी कि 12 जोड़ी पाई जाती है। लेकिन अपने से क्या पूछा? संख्या पूछी है, तो संख्या कितनी हो जाएगी? 24 होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन पिंडली, ऊपरी भुजा, अग्रभुजा और जांग। तो ह्यूमरस जो अस्थि होती है वह पाई जाती है अपने अग्र भुजा में पाई जाती है। सी ऑप्शन जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट होगा, अग्र भुजा। फिर आगे देखिए, फिबुला एवं टीबिया नामक हड्डी किसमें होती है? भुजा, मुख, टांग या खोपड़ी। तो सबको पता है ये कहाँ होती है? अपनी टांग या पैर में पाई जाने वाली अस्थि होती है टीबिया और फिबुला। अगला क्वेश्चन, बुढ़ापे में मनुष्य की हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती है? ऑप्शन कैल्शियम कमी से, कोबाल्ट कमी से, लोहे आयरन की कमी से या आयोडीन की कमी से। तो बुढ़ापे में जो हड्डियां कमजोर होती है उसका रीजन माना गया है कैल्शियम की कमी से होती है, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में कितने दांत दो बार आते हैं, जिन्हें अपन द्विबार दंती कहते हैं, और ये अस्थायी दांत होते हैं, दूध के दांत भी नहीं कहते हैं। तो इनकी संख्या 16, 8, 20 और 32। तो इनकी संख्या होती है 20, सी ऑप्शन सही होगा। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 308, 560, 639 और 602। तो मांसपेशियों की जो संख्या होती है वह कितनी होती है? 639 होती है। अगर ऑप्शन में 639 से 40 दिया हो तो भी अपन उसे सही कर सकते हैं, लगभग इतनी आती है 639। फिर आगे देखिए, शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन में आर्थ्रोप्लास्टी क्या होता है? आर्थ्रोप्लास्टी क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है रुधिराद्यान, सेकेंड कुल्ले के जोड़ का प्रतिस्थापन, थर्ड ओपन हार्ट सर्जरी और चौथा है किडनी ट्रांसप्लांट। तो शल्य क्रिया में जो आर्थ्रोप्लास्टी का मतलब होता है कुल्ले के जोड़ का प्रतिस्थापन, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट का जो कार्य होता है उसे कहते हैं। तो बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ओस्टियोलॉजी किसका अध्ययन होता है? ऑप्शन हड्डियों का, उत्सर्जन तंत्र का, तंत्रिका तंत्र का और परिसंचरण तंत्र का। तो यह होता है हड्डियों का जो अध्ययन होता है उसे ओस्टियोलॉजी कहते हैं। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, अस्थियों एवं दांतों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम सोडियम, सोडियम कैल्शियम, लोहा कैल्शियम और कैल्शियम फास्फोरस। तो बताइए चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो इसके लिए जो आवश्यकता होती है वह कैल्शियम और फास्फोरस की, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए। देखिए आगे फिर, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, क्या कारण है इसका? तो फर्स्ट ऑप्शन, नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है, नाखून कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा, यानी जो नाखून होते हैं मृत कोशिकाओं के द्रव्य के द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखें, कोंड्रोसाइट्स किसमें पाए जाते हैं? ब्लड, लिम्फेटिक लसिका, कार्टिलेज, या इनमें से कोई नहीं। तो जो कोंड्रोसाइट्स होते हैं वो उपस्थित होते हैं उपास्थि या कार्टिलेज में पाए जाते हैं, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? जबड़े में, हाथों में, गर्दन में या जांग में। तो सबसे मजबूत जो होती है वो होती है जबड़े में, अपने मानते हैं, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ओडोंटोलॉजी किसका अध्ययन होता है? हड्डी, दांत, मस्तिष्क या लीवर।
तो जो ओडोंटोलॉजी होता है वह अपन मानते हैं दांतों का अध्ययन होता है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, ओस्टियोसाइट्स पाए जाते हैं किसमें पाए जाते हैं, ब्लड बोन लिम्फेटिक लसिका या किडनी में, तो यह जो प्रकार पाए जाते हैं वह अपन देखते हैं कि बोन जो होते हैं उनमें उपस्थित होते हैं, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य के कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां होती है, 12, 30, 26 या 40, तो जो वयस्क मनुष्य होता है उसके कशेरुक दंड में पाई जाती है 26, और शिशुओं में अपन कहते हैं 33 होती है, वयस्क होते ही 26 हो जाती है। आगे देखिए, ओसिन नामक प्रोटीन किस में पाई जाती है, अस्थि, बाल, नाखून या कोई नहीं, तो ओसिन जो प्रोटीन होती है वह पाई जाती है अस्थियों में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, घुटने की हड्डी को किस नाम से जानते हैं, ऑप्शन फर्स्ट फिबुला, सेकंड टीबिया, थर्ड फेलेंजियज और फोर्थ पटेला, तो घुटने की जो अस्थि होती है उसे अपन जानते हैं पटेला के नाम से, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, नाखून, दंत धातु, दंतवलक इनेमल या अस्थि, तो मानव शरीर का जो सबसे कठोर पदार्थ होता है उसे अपन क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इनेमल, दंतवलक, सी ऑप्शन अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दांतों का बाहरी आवरण इनेमल किसका बना होता है, सोडियम फॉस्फेट, पोटेशियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट और फेरस सल्फेट, तो यह चारों ऑप्शन अगर अपन देखें तो यह बना हुआ होता है कैल्शियम फॉस्फेट का, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्ना नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो अल्ना रेडियस के साथ होती है, रेडियस अल्ना पाई जाती है अपनी भुजा में पाई जाती है, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है, तो ऑप्शन 1350, 1250, 1290 और 1600, तो यह होता है 1350 ग्राम का, फर्स्ट ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है, तिल्ली, यकृत, अग्नाशय या दीर्घ अस्थि में, तो यह जो बनती है यह बनती है मुख्य रूप से दीर्घ अस्थि में बनती है, डी ऑप्शन सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या होता है, फास्फोरस, जिंक, आयरन या कैल्शियम, तो यह होता है मुख्य रूप से कैल्शियम होता है, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूस्टोकिया यूस्टेकिया नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है, कान, आंख, नाक और गले में, तो यह पाई जाती है कान में पाई जाने वाली एक नलिका होती है यूस्टेकिया नलिका, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 33, अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कंकाल होता है उसको दो भागों में बांटते हैं, अक्षीय कंकाल और अनुबंधीय कंकाल, तो अक्षीय कंकाल में पूछा है तो ऑप्शन 126, 80, 206 या 56, तो जो अक्षीय कंकाल होता है उसमें हड्डियों की संख्या होती है 80 पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपांगीय या अनुबंधीय कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 126, 80, 206 या 56, तो यह होती है 126। अब देखिए दोस्तों, एक बात बताना चाहूँगा, अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि अक्षीय में कितनी होती है और उपांगीय में कितनी होती है, अपने को ये तो पता होता है कि एक में तो 80 होती है और एक में 126 होती है, तो देखिए अक्षीय उपांगीय में अपन देखेंगे छोटा वर्ड क्या है, अक्षीय 3 से है, उपांगीय 4 से है, तो अक्षीय के साथ छोटी वाली संख्या 80 जोड़ देंगे और इसके साथ में अपन 126 जोड़ देंगे, इस हिसाब से अपन याद रख सकते हैं, टोटल 206 होती है। और आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखिए, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा हो जाने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, तो ऑप्शन देखिए, लैक्टिक अम्ल, पायरुविक अम्ल, सिट्रिक अम्ल और यूरिक अम्ल, तो कौन सा अम्ल जो होता है वह मांसपेशियों में जमा हो जाता है, तो जिसके कारण अपन कहते हैं मनुष्य में थकान महसूस होती है, तो होता है लैक्टिक
अम्ले, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ये थे आज के अपने 35 क्वेश्चन, आशा करता हूँ क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। अगर आप रिट की तैयारी वगैरह कर रहे हैं या अन्य कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर साइंस से रिलेटेड बहुत मैटर आपको मिल सकता है, जिसे आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो या डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको वह मैटर उपलब्ध हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं दोपहर 1 बजे के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।